आप देख रहे हैं सत्य आज तक हमेशा सत्य। हमजा बिल्डर ने एक अपनी वीडियो बनाई और कहा ये जितने आरोप लगाए हैं सब बेबुनियाद है, मुझे बदनाम किया जा रहा है और जो मीडिया वाले मेरी खबर दिखाए हैं इसलिए मैं भी अपनी वीडियो बना रहा हूँ, सच क्या है आप ये दिखाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हमजा बिल्डर गरीबी नगर से, नैना ने जो मुझ पर आरोप लगाया इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। उसका जो पैसा है वो 4.5 लाख रुपया बोल रही है, मगर 4.5 लाख रुपया उसका नहीं है, 3,80,000 रुपया है। ये पेपर बना हुआ है और ये स्टैम्प पेपर है, उसका मेरा उसकी माँ का और मेरा पेपर बना हुआ है और 2 महीने में इसमें लिखा हुआ है पेपर में, 2 महीने में इसका पैसा मुझे देना है और अगर नहीं दिया तो इस पैसे के एवज में इतने पैसे की मिल्कियत का उसको मुझे फ्लैट देना है। अब ये बात हुई है, जो पेपर बना है अभी 15 दिन भी नहीं हुआ है और उसके बाद इसने ये टिटम्मा सब चालू कर दिए। फ्लैट था उसके पास रहने के लिए लेकिन खुद से खाली करी और अपनी माँ को दर बदर की ठोकरें खिला रही है और खुद भी खा रही है और लोगों के ऊपर और मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही है और लोगों को तरह तरह की बात से तरह तरह की गलत गलत बात मेरे बारे में बोल रही है। वो मेरी बीवी थी, उसका मेरा निकाह हुआ था, ये देखो फिर बाद में खुला भी हो गया उसी के बोलने पे, ये खुला नामा है और बाद में उसी के बोलने पे खुला भी उसने मुझसे ले ली। बार बार छोड़ने के लिए बात करती थी, तलाक की बात करती थी, तो मैंने बोला ठीक है तू तलाक मुझसे ले रही है, मैं खुला नामा तेरे को बना के दे देता हूँ, तो वो भी एक्सेप्ट करी और उसी दिन का पेपर लेन देन का भी बना है, उसी दिन का खुला नामे का भी बना है और सब कुछ होने के बाद भी उसने है ना अपना फ्लैट जो है ना घर मापोली में था वो जबरन अपने खुद ही से खाली करी और मुझको ये सब तमाशा जो है कर रही है इसलिए खाली करी उसने कि मैं ऐसा तमाशा करूँ बदनाम करने के लिए। और उसने बहुत कोशिश करी लेकिन अल्लाह के हाथ में इज्जत देना और जिल्लत देना ठीक है, उसका फैसला अल्लाह करेगा। और ये पेपर में जो खुला नामा बना हुआ है ये ऐसा खुला नामा, उसके पास दो और शोहर है उसके जो मैं नाम नहीं बताना चाहूंगा, काफी लोगों को उसके बारे में मालूमात भी है और वो मुझे बोलती है 24 साल की हूँ मैं, मेरे से जबरन निकाह किया, ऐसा कुछ भी नहीं था, जबरन निकाह होता नहीं है और जायज काम नहीं है, ये जबरन निकाह नहीं होता और जबरन निकाह अगर हुआ तो तू 2-4-6 महीना खामोश क्यों बैठी। वो बोलती 6 महीना हुआ निकाह हुए, ठीक है उसने बोली 6 महीना हुआ निकाह हुए तो इतने दिन कहाँ थी वो, आज कंप्लेन करने के लिए बैठी है, पुलिस स्टेशन में अर्जी दे के रखी है, फला फला कार्रवाई मेरे ऊपर करना चाहती है और अपनी माँ को और उसका सामान उठा के मेरे दरवाजे पे पटकी, फिर उसके बाद उसकी माँ की तबीयत खराब हुई तो हमने हॉस्पिटल में भी उसका फोन के ऊपर बात किया क्योंकि मेरे ऊपर केस ऑलरेडी उसने अर्जी भर्जी करके रखी थी। मैं हूँ इधरी लेकिन मैं पुलिस स्टेशन में हाजिर नहीं हो पा रहा हूँ, ठीक है मैं हाजिर भी हो जाऊंगा। और उसके बाद जो नैना कर रही है अभी वापिस, फिर आज उसने मेरे घर के सामने लाके सामान रख दिया है मेरे दरवाजे के सामने और मैं हाँ ये देखो ये इसमें चालू करो, उसने मेरे घर के सामने सामान लाके रख दिया और अपनी बूढ़ी माँ को इस तरीके से फिर फेंक दिया वापिस, ये दूसरी बार इसने करी है ऐसा। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कल हुई है ये बूढ़ी माँ ये खाला, तो ये ऐसा करती है अपनी बूढ़ी माँ के साथ, ठीक है तू कहीं भी रख, तू हॉस्पिटल में रख या कहीं भी तू रख, तू उसकी हेल्प कर, तू उसकी बेटी, लेकिन वो करना नहीं चाहती है, वो पता नहीं क्या मालूम पता नहीं कौन सी इसके अंदर बात है, समझ के बाहर है, ठीक है। बहरहाल उससे मैं निकाह किया, जो मुझ पर इल्जाम लगा रही है वो मैं उसको सादगी से निकाह किया, कोई जबरदस्ती नहीं थी और अगर जबरदस्ती मैं करता उससे और मैं भी निकाह इसलिए किया कि भाई ठीक है चलो ऐसे मामला में गरीब है अमुक दमुक तो मैं ठीक है मुनासिब थोड़ा सा समझा और ज्यादा भी समझा कि चलो निकाह कर लो एक 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 बीवी और, तो बहरहाल उसने ना 6 महीने है ना 6 महीना जो अरसा बोल रही है निकाह हुए ठीक है, लेकिन खुद से है ना उसने मेरे को बोलती थी बार बार तलाक दे दो तलाक दे दो, तो मैंने उसको बोला ठीक है तू तलाक ले रही है नहीं नहीं तक तू तलाक ले रही है ठीक है, मैं खुलानामा बनाया पेपर बन गया। और फिर खर्चे की जो उसने बात करी है मेरे पास उसकी वीडियो क्लिप है, उसमें उसने अपनी बहन से बातचीत करते हुए क्लिप है कि हाँ मुझे खर्चा बराबर देते हैं और मेरी माँ का भी पैसा जब लगता है देते हैं और खर्चे पाने की बात जो वो बोल रही है कुछ नहीं देते थे, सरासर गलत है। मुझ पर जो भी आरोप लगाए है वो उसके सारे आरोप गलत है,
बेबुनियाद है। और पैसा मैं तो उसका दूंगा, मेरे को न उसका पैसा रखना नहीं है, ना ही किसी का पैसा रखना। कारोबार में वो उलझने आते रहती है, जाते रहती है, ठीक है, मेरे को ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पास अल्लाह का दिया हुआ बहुत कुछ है, मैं दे सकता हूँ, अदायगी कर सकता हूँ। और उसके अंदर पेपर पे मैं लिख के भी दिया हूँ, ये फ्लैट तुम्हारा हो जाएगा अगर मैं पैसा नहीं दूंगा तो, उतनी मिल्कियत का। फिर 2 महीने के अंदर मुझे ये बदनाम कर रही है बेमतलब का, और इसके पास अपनी माँ को लेके अपनी माँ को ढाल बना रही है, जबकि खाला की भी मेरे पास क्लिप है, उसकी माँ की क्लिप है, ऑडियो क्लिप है, तो उसमें भी उसकी माँ कह रही है कि मेरे को बहुत मारती है, ऐसा करती है, वैसा करती है, मेरे को बचा ले, ऐसा वैसा, ये वो। और जहाँ जहाँ ये रही है ना, लाल मोहम्मद शेठ की बिल्डिंग में, गैबी नगर सलमान कॉम्प्लेक्स, सॉरी सलमा कॉम्प्लेक्स में दूसरे माले पे, और गैबी नगर लाल मोहम्मद शेठ की बिल्डिंग पे दूसरे माले पे सेकंड फ्लोर पे, वहाँ पे जाके आप लोग पूछ सकते हो ये कैसी औरत है। और ये जो मीडिया वाले मेरा फोटो डालकर चला रहे हैं, तो ये मेरे हिसाब से गलत बात है। दोनों पक्ष की बात सुनते हुए उनको फोटो चलाना था, लेकिन एक ही पक्ष की बात सुन के मेरा फोटो चलाने का मतलब क्या है? बदनाम, ये बदनाम करने की साजिश है। हाँ। बहरहाल मैं इनसे कहना चाहूंगा कि ये ऐसा ना करे। और जो मीडिया वाले मेरी फोटो लगाए हैं एक तरफा बात सुनकर, उनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि अगर एक पक्ष की बात मत सुनो, दूसरा पक्ष मैं भी बोल दिया, मैं भी वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो बना जो सच्चाई है, ये आप लोग भी चलावे जो मीडिया लगाई है नैना की, ये तो ये मेरी भी वीडियो को लगाएं, ये होती है सच्चाई, ये होता है, ये होती है हक बात।